नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में हम नीमरी माता की पूजा किस प्रकार से की जाती है उस पूजन विधि को आपसे शेयर करने वाले हैं। नीमरी माता जैसे कि कजली तीज, सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज, बड़ी तीज या फिर नीमरी तीज के नाम से जाना जाता है। इस दिन महिलाएं जो हैं निर्जला व्रत रखती हैं और नीमरी माता की पूजा करती हैं। माँ नीमरी माता माँ पार्वती का ही एक स्वरूप है। इस दिन माँ नीमरी माता भगवान शिव माँ पार्वती और इसके साथ ही चंद्रमा की पूजा पूरी विधि विधान के साथ की जाती है। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे जितने भी वीडियोज आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएंगे। भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष तृतीया को मनाई जाने वाली कजरी तीज सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह तीज जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं अखंड सौभाग्यवती होने, संतान प्राप्ति, पति की लंबी आयु और तरक्की के लिए रखती हैं। विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है, इसे दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। तो आइए सबसे पहले हम नीमरी माता की पूजा किस प्रकार से की जाती है पूजा की विधि को देख लेते हैं। दोस्तों इसके लिए हमने सबसे पहले नीमरी माता का जो है एक प्रतिमा बना लिया है जो कि कच्ची मिट्टी और गाय के गोबर से बनाई हुई है। पूरी तरह से माता का श्रृंगार किया है और माता रानी को जो है हमने चुनरी श्रृंगार का सामान पूरी तरह से यानी कि टीका बिंदी प्रॉपर तरीके से हमने उन्हें लगाया है। उसके साथ ही हमने एक नीम की टहनी को भी नीमरी माता के बगल में ही लगाया है जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब सबसे पहले हम एक तालाब का निर्माण कर लेते हैं। तो हमारे पास इस तरह का जो है एक पहले से ही पात्र था तो इसमें ही हम तालाब का निर्माण करेंगे। यदि आपके पास पात्र ना हो तो आप मिट्टी का चौका जो है वो थोड़ा सा ऊंचा करके यदि बना लेते हैं तो उसमें भी आप बना सकते हैं इस तरह से जलाशय, वरना किसी भी थाली का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले याद रखेंगे जलाशय में हम जल नहीं डालेंगे। माँ नीमरी माता के निमित्त ये जो जलाशय बनाया जाता है सबसे पहले इसमें गाय का जो है दूध डाला जाता है। यदि आप सक्षम हैं तो पूरी तरह जो है दूध का ही जो है ये जलाशय बना लें, लेकिन मैं जो है मिक्स करके बनाऊंगी। सबसे पहले हम थोड़ा सा गाय का दूध डाल लेंगे और उसके बाद पूर्ण तरीके से जो है हम इसमें जल भर लेंगे। जलाशय में पूर्ण तरीके से जल को आप अच्छी तरह से भर लें और उसके बाद सबसे पहले हम जो है माता रानी यानी कि नीमरी माता के पास सबसे पहले दीपक लगाएंगे। तो दीपक के नीचे हमने थोड़े से चावल रखे हैं जो कि अखंड चावल है। याद रखें पूजा पाठ में जो भी चीज़ों का इस्तेमाल करें वो अखंड रूप में ही करें। अब सबसे पहले हम दीपक को प्रज्वलित कर लेते हैं। दीपक प्रज्वलित करते समय इस मंत्र का जाप जरूर करें जिससे पूजा निर्विघ्न जो है पूर्ण होती है और बहुत ही अच्छी मानी जाती है। सकारात्मक शक्तियों का वास होता है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। इस तरह से आपको दीपक को प्रणाम कर लेना है। दीपक में हमने पहले से ही टीका कर रखा था सिंदूर का और फिर हल्दी कुमकुम का। अब हमें सबसे पहले ये जो जलाशय बनाया है उसकी पूजा करनी है। तो इसमें हम कुमकुम, हल्दी, अक्षत और थोड़े से चावल के दाने इसमें छोड़ देंगे। अच्छी तरह से जलाशय पर जो है हम टीका लगा लेंगे हल्दी कुमकुम वगैरह का। इसके साथ ही हम माँ नीमरी माता की भी पूजा कर लेंगे। तो माँ नीमरी माता को भी हल्दी कुमकुम सिंदूर पर टीका कर लेंगे और पैरों में महावर के लिए हमने थोड़ा सा नीचे ही इस तरह से सटा लिया था। अब सबसे पहले हम एक कलश को स्थापित करेंगे जिसके कंठ पे मौली धागा हमने लपेट लिया है। खाली कंठ जो है वो पूजा नहीं की जाती है तो याद रखेंगे। अब कलश में जो है हम 13 कुमकुम की बिंदियां को इस तरह से लगा लेंगे। 13 की संख्या में इसमें लगाई जाती हैं और इसे जो है हम माँ नीमरी के माता के पास ही स्थापित कर लेते हैं। अब हम तालाब में कुछ पुष्प को डाल देंगे और थोड़ा सा जो भी अपने मीठा प्रसाद स्वरूप बनाया है उसे डाल दें। थोड़ा सा अक्षत डाल देंगे। माँ नीमरी माता के पास भी इस तरीके से जो है हम पुष्प अर्पण करेंगे और मीठे का भोग लगाएंगे। मीठे का भोग जो हमने लगाया है वो रिकॉर्डिंग में हमारा छूट गया था तो उसका मैंने पिक डाल रखा है, आप उसे देख सकते हैं। अब हम सबसे पहले इस तरह से पेपर चिपकाकर और उसके ऊपर स्वास्तिक का निशान बना लेंगे। तो पेपर मैंने तो इसलिए चिपकाया ताकि दीवार खराब ना हो। पहले के समय में मतलब सीधे तौर पे दीवार पे ही बनाया जाता था। यदि आप चाहते हो कि दीवार खराब ना हो तो इस तरह से पेपर चिपकाकर उसके ऊपर स्वास्तिक का निशान बना लेता है।
और ये निशान आपको पूर्ण तरीके से बनाना है। कहने का मतलब है, बहुत सारे लोग स्वास्तिक तो बनाते हैं लेकिन उसके बगल में इस तरह की दो लाइनें जो खींची जाती हैं जिससे स्वास्तिक संपूर्ण होता है, ये नहीं करते हैं। तो यदि आप इस तरह की गलती करते हैं तो ना करें। ये जो स्वास्तिक इस तरह से बनाई जाती है वो अशुद्ध मानी जाती है, पूर्ण नहीं मानी जाती है। अब हम इसके ऊपर ही 13 कुमकुम की बिंदियाँ लगा लेंगे और 13 जो है मेहंदी के भी बिंदियाँ लगाएंगे। इसी प्रकार से आपको फिर इसके नीचे जो है 13 की संख्या में ही काजल का टीका लगा लेना है, काजल की बिंदियाँ लगा लेनी है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, इसे बिल्कुल ना भूलेंगे, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है कि झूला लगाना है। इस दिन जो है महिलाएं झूला झूलती हैं, हंसी ठिठोली करती हैं, खूब मजाक होता है, बहुत मस्ती के ये टाइम होते हैं। पहले के समय में महिलाएं मतलब सीधे तौर पे झूला झूलती थी, आज के समय में जो है बहुत सारी चीज़ें जो है हम भूलते जा रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह से जो है हमने झूला लगा दिया है, मेहंदी की सहायता से जो है झूले को चिपकाया है। अब हम धूप दीप जो है इस तरह से प्रज्वलित कर लेते हैं। और हाँ, एक बात बताना तो रह गया, ये जो नीम की टहनियाँ हमने लगाई हैं उसका भी पूजन हमने किया है, उसमें भी कुमकुम धूप दीप अक्षत और इसके साथ ही उसमें भी रक्षा सूत्र यानी कि मौली के धागे को उसमें भी बांधा है। और माँ से प्रार्थना करनी है कि हे माँ, हमारा व्रत पूर्ण करने में हमारी मदद करो, हमारी रक्षा करो। और इस प्रकार से आपको हाथ में जो है थोड़े से अक्षत लेने हैं, माँ निमरी माता को से प्रार्थना करनी है और वो अक्षत को माँ निमरी माता के आगे जो है वो छोड़ देनी है। बहुत जगहों पे जो है ना हाथों में जो है गेहूं के दाने रखे जाते हैं, हमारे इधर जो है चावल के दाने रखे जाते हैं। हमने ये जो कलश स्थापित किया है इसमें थोड़ा सा मीठा हमने डाल रखा है पहले से ही, तो आप भी मीठा डाल के रखें। रात्रि के समय इसी कलश का इस्तेमाल किया जाता है चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए और साथ ही उस समय जो है कथा भी सुनी जाती है। अब इसके बाद जो है ये जो हमने जलाशय बनाया है इसमें सभी चीजों को इस तरह से जो है दिखाना होता है। पुष्प, जितने भी तरह के पुष्प होते हैं हाथों के, मेहंदी, चूड़ियाँ, नथ, मांग टीका या फिर आपकी चुंदरी हो, आप अपने आप को भी पूर्ण तरीके से श्रृंगार करने के बाद इस जलाशय में आपको अपना भी मुखड़ा देखना होता है। तो इस प्रकार से सभी चीज़ों को एक एक करके आपको जलाशय में दिखाना होता है, हर एक प्रकार के फल फूल जो भी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हों तो सभी चीज़ों को आपको इस प्रकार से जलाशय में दिखाना होता है। देखिए जलाशय में ये जो चीज़ें दिखाई जाती हैं इसको दिखाने का भी प्राय ये होता है कि आज जैसे ये दिख रही हैं वैसी ही हमेशा दिखती रहें, ऐसी ही ताजगी, ऐसी ही सादगी और ऐसा ही रंग रूप हमेशा बना रहे, कभी किसी भी प्रकार का कोई बदलाव ना आए, हमेशा इसमें जो है एक शुद्धता जो है वो बनी रहे। इस कामना, इस भाव के साथ जो है जलाशय में सभी चीज़ों का इस तरह से दर्शन दिया जाता है। माँ निमरी माता से प्रार्थना की जाती है, हे माँ, आज जिस तरह से मैं सौभाग्यवती हूँ, सौभाग्यवती हूँ, हमेशा अपनी कृपा हमारे ऊपर ऐसे ही बनाए रखना और हमारा अखंड सौभाग्य जो है हमेशा बनाए रखना, संतान, सुख, घर परिवार हमेशा इसी तरह समृद्ध रखना। ये माँ से प्रार्थना की जाती है, हमारे परिवार की हमारी रक्षा करो। इस प्रकार से माँ निमरी माता की पूजा अर्चना की जाती है और रात्रि के समय ये जो कलश हमने स्थापित किया है जिसमें 13 कुमकुम की बिंदियाँ लगाई हैं, इससे जो है चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। ये सभी चीज़ें इस प्रकार से जो है पूर्ण की जाती हैं। उसके बाद आपको जो है कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने के लिए आपको अपने हाथों में या तो चावल के दाने या फिर गेहूँ के दाने, आपको कुछ भी हाथों में लेकर और उसको हाथों में रख के फिर कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद आपको जो हाथों में आपने जो भी चीज़ें रखी हैं उनको माँ निमरी माता के आगे छोड़ देनी चाहिए। जो सातोरी का प्रसाद हमने चढ़ाया होता है उसे जो है बढ़ाना पड़ता है, तो ये बढ़ाने की जो क्रिया होती है वो घर की कोई भी महिला नहीं करती है, प्रायः ये पुरुषों से कराया जाता है। घर में जो भी पुरुष मौजूद हों, पति हों, बच्चे हों या फिर दादा हों, पापा हों, जो भी हों, उनसे जो है प्रसाद को बढ़ाया जाता है। इस प्रकार से संपूर्ण विधि की जाती है। अब इसके बाद ये जो पूजा की हमने चौकी लगाई है इसे जिस दिन आपने पूजा किया है उस दिन नहीं उठाया जाता है, दूसरे दिन उठाया जाता है। दूसरे दिन जो भी चीज़ें इस्तेमाल की होती हैं, जैसे माँ निमरी माता को हमने सुहाग की चीज़ें अर्पण की हैं, मेहंदी, महावर ये सभी चीज़ें अर्पण की हैं, तो कुछ चीज़ें हमने दिखाना, इसमें हमारा रह गया जगह यहाँ पर बहुत कम था तो उन चीज़ों को हमने थोड़ा सा हटा कर रख दिया था, उन चीज़ों में कुछ अपने इस्तेमाल के लिए रख लें, कुछ जो है किसी दूसरी सुहागिन महिला को दान कर दें ताकि वो भी इनका इस्तेमाल करें, या फिर आप चाहें तो ब्राह्मणी को भी दान कर सकती हैं। इसके बाद
जो भी चीज़ें जैसे फूल पत्ते ये सब जो विसर्जन की चीज़ें हैं या माँ निमरी माता के विसर्जन को जो करना होता है ये दूसरे दिन आपको करना है। दूसरे दिन ये चौकी उठाई जाती है, आज के दिन ही नहीं उठाई जाती है। घर में जो भी बड़ी बुजुर्ग महिला हो उसे बायना और सुहा की सामग्री और कुछ दक्षिणा अवश्य दें ताकि जो है आपका व्रत पूरी तरीके से पूर्ण हो। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।